नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अजनी के सेंट्रल रेलवे कॉलोनी में डॉक्टर के घर से 20 लाख की चोरी। महीने भर से रायपुर में रह रहा था परिवार, घर लौटने पर हुआ चोरी का खुलासा। गांव में जोरों पर चल रही हर घर दस्तक मुहिम, 30 नवंबर तक दोनों डोज का लक्ष्य पूर्ण करने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। और लोग कह रहे हैं कोरोना काल में कम बजट की शादियां ही ठीक थी, अब महंगाई ने विवाह समारोह की भव्यता पर चलाई कैंची। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर में चोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। पुलिस द्वारा सभी इलाकों में गश्ती मुहिम चलाने और आरोपियों को धर दबोचने के बाद भी चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच चोरों ने अजनी थाना क्षेत्र में घर में सेंध लगाकर 20,32,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया है। शादियों का सीजन शुरू होने से पहले चोरी की इस बड़ी घटना ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। पुलिस ने बताया कि चोरी की ये घटना ओमकार नगर के सेंट्रल रेलवे कॉलोनी में हुई है। चोरों ने डॉक्टर अमित विजय घाटगे के घर में सेंध लगाई। घाटगे पेशे से डॉक्टर है। धर्मपेट के लक्ष्मी भवन में उनका अस्पताल है और कुछ समय पहले तक निजी अस्पताल में भी काम करते थे। पिछले एक महीने से घाटगे अपने परिवार के साथ रायपुर में रह रहे थे। इसी बीच अज्ञात आरोपी ने ताला तोड़कर तिजोरी से रखे 20,32,000 रुपये नकद और सोने की अंगूठी सहित 2,82,000 रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस बीच परिवार वाले नागपुर लौटे और जब घर में प्रवेश किया तो चोरी का पता चला। आला अधिकारियों ने घटना का जायजा लिया। घाटगे के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस ने फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। घाटगे का कहना है कि माता पिता बीमार होने के कारण उन्होंने उपचार के लिए घर में कैश ला रखी थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की है। जिले में 30 नवंबर तक हर घर दस्तक कोविड 19 टीकाकरण मुहिम के अंतर्गत गांव स्तर पर पहला और दूसरा डोज नहीं लेने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण भागों में मुहिम के अंतर्गत अब तक 91,497 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। मुहिम में अधिकाधिक लोग शामिल हो रहे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर ने टीकाकरण मुहिम में सहयोग करने का आह्वान किया है। मुहिम के दौरान गांव स्तर पर शिक्षक, आशा स्वयंसेविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक, तलाटी, स्वास्थ्य सेवक, सेविका घर घर जाकर नागरिकों से डोज पूर्ण करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही वैक्सीन का महत्व भी बताया जा रहा है। शिक्षण, ग्राम विकास, महिला व बाल कल्याण विभाग, जिला ग्राम विकास, राजस्व विभाग के समन्वय से वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुहिम के अंतर्गत जिन गांवों में कम वैक्सीनेशन हुआ है उनकी सूची तैयार कर प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही गांवों में शिविर आयोजित कर अधिकाधिक लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण अधिक बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस मुहिम के अंतर्गत पहला डोज लेने वालों की संख्या 35,060 है, वहीं दूसरा डोज लेने वालों की संख्या 56,437 हो गई है। तहसील निहाय आंकड़े देखें तो भिवापुर में 3,120, हिंगना में 10,831, कलमेश्वर में 6,236, कामठी 13,999, काटोल 6,015, कुही 4,530, मौदा 3,734, नागपुर 10,197, नरखेड 5,129, पारचुनी 5,149, रामटेक 4,659, सावनेर 10,543 व उमरेड में 7,355 टीकाकरण हो गए हैं। कोरोना काल में लगी पाबंदियों के बीच लोगों ने कम बारातियों में शादी निपटाई। उस वक्त कम बजट वाली शादियां होने से खर्च भी ज्यादा नहीं आया, लेकिन अब जैसे ही पाबंदियां हटाई गई तो साथ में महंगाई भी बढ़ गई है। सोने चांदी कपड़े से लेकर कैटरर, सभागृह सभी दामों में 30% की वृद्धि कर दी है। यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में की गई शादियां ही ठीक थी। कोरोना महामारी के कारण अब 2 वर्षों से शादी विवाह की भव्यता पर रोक लगी है। कई लोगों ने कोरोना के काल में विवाह निपटाए लेकिन नियमों के दायरे में रहकर करना पड़ा। वहीं कुछ कोरोना खत्म होने की राह देखते रहे ताकि धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित कर सके। कुछ लोगों ने विवाह जोड़कर रखे थे। अब जबकि कोरोना पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और लॉकडाउन भी खोल दिया गया है, लेकिन महंगाई ने जकड़ लिया है। कपड़े, जेवर से लेकर कैटरर्स और निजी वाहनों के किराए में भारी वृद्धि हुई है। यही वजह है कि लोग मान रहे हैं कि कोरोना प्रतिबंध में हुई शादियां ही ठीक थी। दीपावली के बाद से शादियों की रस्में शुरू हो गई है, लेकिन विभिन्न खाद्य पदार्थों, तेल, पेट्रोल, डीजल, सब्जियों, अनाज आदि की कीमतों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। इसके अलावा मंगल कार्यालय के विभिन्न सुविधाओं सहित किराए में भी वृद्धि हुई है।
इस महंगाई का खामियाजा भुगतते हुए दूल्हा दुल्हन को शादी की रस्में पूरी करनी होगी। इसमें भी एसटी बंद होने का परिणाम आने से मेहमानों को निजी वाहनों के लिए अधिक भुगतान करना होगा। 18 वर्ष की उम्र करियर के सपने देखने की होती है, लेकिन इस उम्र में जीवन की सांसें रुक जाए तो माता पिता के लिए इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। भंडारा रोड जगत रेसिडेंसी निवासी शाह परिवार के लिए भी ये दुख जीवन भर के लिए रहेगा, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि उनका बेटा 5 लोगों को जीवनदान देकर गया। 18 वर्षीय तीर्थ देवांग ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और नए जीवन में प्रवेश करने जा रहा था। वह अपने पिता देवांश शाह और माँ दर्शना शाह के साथ रहता था। तीर्थ को अचानक सिरदर्द हुआ और उल्टी होने लगी। परिजनों को कुछ समझ ही नहीं आया। 15 नवंबर को उसे न्यू ईरा अस्पताल में भर्ती किया गया। भर्ती के वक्त उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके ब्रेन में रक्तस्राव हुआ है। अथक परिश्रम के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। 18 नवंबर को न्यू ईरा अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर नीलेश अग्रवाल ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। पश्चात डॉक्टरों ने परिजनों को अवयव दान के लिए प्रेरित किया। माता पिता के पास अब मृत शरीर के अलावा कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वे भी अवयव दान करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर विभावरी दानी व सचिव डॉक्टर संजय कोलते को जानकारी दी गई। तीर्थ की एक किडनी वोखाट अस्पताल में प्रत्यारोपित की गई, जबकि दूसरी किडनी न्यू ईरा अस्पताल में 66 वर्ष के बुजुर्ग को दी गई। वही लीवर भी न्यू ईरा अस्पताल में एक 56 वर्षीय मरीज को दिया गया। दोनों आंखें माधव नेत्र पेढ़ी को दे दी। तीर्थ भले ही असमय इस दुनिया से चला गया, लेकिन अवयव दान कर समाज को एक मिसाल दे गया। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन दिनों नागपुर शहर में कार से शीशे तोड़कर माल उठाने और डिक्की से नकद चुराने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। गिरोह की सक्रियता और चतुराई इसी बात से सामने आती है कि आसपास के CCTV में भी उनकी परछाई तक कैद नहीं होती। इस दौरान एक और घटना हुई जिसमें सकरदरा थाना अंतर्गत छोटा ताजबाग परिसर से कुछ आरोपियों ने एक महिला की गाड़ी की डिक्की से 2,30,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुचिता कराले आराधना नगर दिघोरी में रहती है। वह एक बैंक में कार्य करती है। गुरुवार की सुबह सुचिता ने सक्करदरा परिसर में स्थित HDFC बैंक से 3,00,000 रुपए निकाले। रकम अपने हैंडबैग में रखी और सहकर्मी श्रेयस के साथ छोटा ताजबाग गई। दरगाह की पार्किंग में गाड़ी पार्क की, हैंडबैग गाड़ी की डिक्की में रख दिया और दर्शन के लिए चले गए। इस बीच अज्ञात आरोपी ने डिक्की में हाथ डालकर 2,30,000 रुपए की चोरी कर ली। दर्शन करके लौटने के बाद सुचिता अपने रिश्तेदार के यहाँ गई। वहाँ बैग खोलने पर रुपए चोरी होने का पता चला। सूत्रों की माने तो इन दिनों चोरों का गिरोह बैंकों के आसपास ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। वह बैंक के भीतर से आने वाले ग्राहकों पर नजर रखता है, बाद में उनका पीछा कर माल उड़ा लेता है। इस तरह की घटनाओं में लोगों की भी लापरवाही सामने आ रही है। गाड़ियों की डिक्की का ताला इतना सुरक्षित नहीं होता, इसके बाद भी लोग डिक्की में लाखों की गड्डी रखकर बेफिक्री से कहीं भी निकल जाते हैं। फिलहाल इस मामले की जाँच सक्करदरा पुलिस कर रही है। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल अब तक जारी है। इस बीच मांगों पर परिवहन मंत्री के साथ जितनी भी चर्चा हुई सभी विफल रही। कर्मचारियों का कहना है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ठोस निर्णय लेने में देरी कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कर्मचारी अपनी जिद की वजह से यात्रियों की तकलीफ बढ़ाने के साथ ही अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। नागपुर मंडल को हर दिन 48 लाख और अब तक करीब 6 करोड़ का नुकसान हो चुका है। विलीनीकरण की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से एसटी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बुधवार को 20 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। वहीं गुरुवार को हड़ताल में शामिल और 15 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें चालक और वाहक पदों पर कार्य करने वाले घाट रोड, सावनेर, रामटेक डिपो के 5-5 कर्मचारियों का समावेश है। इस तरह अब तक नागपुर मंडल के कुल 129 कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है।
वहीं 90 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली के बाद अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है। शादियों के सीजन में ग्रामीण जनता के लिए एसटी बस सहारा होती है, लेकिन प्राइवेट बसों में मनमानी किराया होने से लोग जाने से कतरा रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों ने भी किराया बढ़ा दिया है। यही वजह है कि अब आमजन परेशान हो गए हैं। एक ओर जहां कर्मचारी अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार भी झुकना नहीं चाहती। दोनों के बीच चल रही तनातनी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि पिछले 2 सप्ताह से बसें खड़ी होने से उनके कल पुर्जे भी खराब होने लगे हैं। यदि बसें सड़कों पर दौड़ेगी तब मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ जाएगा, यानी आने वाले कुछ महीनों तक एसटी घाटे में ही चलने वाली है। देश के कपड़ा मिल मालिकों के संगठन ने दामों को कम करने के लिए केंद्र सरकार से कपास निर्यात बंद करने तथा सूत निर्यात पर टैक्स लगाने की मांग की है। इस खबर से ही बाजार से कपास के दामों में 500-600 रुपये प्रति क्विंटल की मंदी आ गई है। कपास आयात करके कपड़ा मिल मालिक दाम गिरा नहीं सकते, इसलिए कपड़ा मिल मालिकों के दबाव में कपास निर्यात बंद करने का निर्णय न लेने, सूत निर्यात पर निर्यात कर न लगाने की मांग किसान नेता विजय जावंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर की है। इस वर्ष कपास की फसल भारत में और दुनिया में कमजोर है। वर्ष 1994 और 2011 के बाद इस वर्ष अमेरिका के बाजार में कपास के दाम $1.27 प्रति पाउंड रुई तक बढ़ गए हैं। रुपए में ये दाम 70,000 रुपए प्रति खंडी के दाम होते हैं। भारत के मंडियों में किसानों को 8,000 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिल रहे हैं, परंतु कपड़ा मिल संगठन द्वारा कपास निर्यात बंद करने की मांग करते ही दामों में 500-600 रुपए की गिरावट हुई है। उल्लेखनीय रहे कि वर्ष 2011 में अमेरिका के बाजार में ये $2.40 प्रति पाउंड रुई का दाम हुआ था। तब भारत में 60,000 रुपए प्रति खंडी रुई का दाम हुआ था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कपास का निर्यात बंद किया था। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते आपने खुद इस निर्णय का विरोध किया था। इस कारण कपड़ा मिल मालिकों के दबाव में ये दोनों निर्णय न ले। जब फसल कमजोर है तो थोड़ा घाटे की पूर्तता अच्छे दाम से ही होती है। बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ महावितरण की कार्रवाई एक बार शुरू हो गई है। दिवाली के दौरान कार्रवाई में शिथिलता दी गई थी। इस बीच तुलसीबाग उपविभाग द्वारा कई बस्तियों में कार्रवाई की गई। इस दौरान 40 लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए। इस कार्रवाई से एक बार फिर लोगों में रोष का माहौल है। जानकारी के अनुसार शिवाजी नगर, भूतेश्वर नगर, किला, तुलसीबाग में अभियान चलाया गया, जिसमें 18 बकायेदारों का अस्थायी तौर पर, 4 ग्राहकों का स्थायी रूप से बिजली कनेक्शन काटा गया। इन पर क्रमशः 1,75,000 और 42,000 रुपये का बकाया था। अभियान के दौरान 36 ग्राहकों ने 2,50,560 रुपये तत्काल जमा कर कार्रवाई से खुद को बचा लिया। इसके बाद शारदा चौक, गवलीपुरा, चितारोली, बुद्धू खान का मीनारा, बजेरिया, तिड़के भवन, हज हाउस, ईश्वर पटाका, लोधीपुरा, होटल पाल पैलेस, जूना जेलखाना इलाके में 15 ग्राहकों की बिजली काटी गई, जिन पर 2,49,000 बकाया थे। वहां 3 लोगों का कनेक्शन स्थायी रूप से काटा गया, जिन पर 1,18,000 रुपये बकाया था। इन बस्तियों में अभियान के दौरान 61 बकायेदारों ने 9,54,570 रुपये तत्काल जमा किए। कार्यकारी अभियंता ने नागरिकों से अपील की है कि कार्रवाई से बचने के लिए बिजली बिल का भुगतान कर कंपनी का सहयोग करें। तो सुबह के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।